तो पिछली बार हमने डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स पे आगे छोड़ा था, आज हमें पहले डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स समझना है और फिर हम क्या करेंगे, रिडॉक्स का सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग तुम्हें 12th क्लास के डीएनएफ ब्लॉक नामक चैप्टर में भी आएगी, डीएनएफ ब्लॉक नामक चैप्टर में भी आएगी। तो हम पहले डिस्प्रोपोर्शनेट समझ लेते हैं कि हमारा वो एक टाइप का रिडॉक्स रह गया था। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स क्या होता है, एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा हो और वही एलिमेंट रिड्यूस भी कर रहा हो, सेम चीज चल रही है। अभी तक तुमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज करता है, एक एलिमेंट रिड्यूस करता है, ये पढ़ रहे थे। तो डिस्प्रोपोर्शनेट क्या है, जिसमें एक ही एलिमेंट वही ऑक्सीडाइज कर रहा है वही रिड्यूस कर रहा है। और बेस्ट एग्जाम्पल है, ये याद कर लो, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया, हाइड्रोजन परोक्साइड। याद हो तो तुम्हें पता होगा, मैंने पहले भी एक बार बताया था, हाइड्रोजन परोक्साइड जो केमिकल है, इस ये केमिकली कमर्शियली पर हेड्रोल के नाम से बिकता है। इसका ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन परोक्साइड का कमर्शियल नाम क्या है। तो हाइड्रोजन परोक्साइड को कमर्शियली हाइड्रोजन परोक्साइड नहीं कहते, क्या कहते हैं, पर हेड्रोल। और कहां मिलेगा ये, केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये काम आता है एक माइल्ड एंटीसेप्टिक रूप में। तो पेडिक्योर में काम आता है, मैनिक्योर पेडिक्योर में, याद है मैंने बताया था पहले, ये पेडिक्योर में काम आता है कि जिनके एड़ियां फट जाती हैं सर्दियों में, उनमें हल्का हल्का इंफेक्शन हो जाता है, तो पानी के गर्म टब में, गर्म पानी के टब में क्या करते हो, थोड़ी दो चार बूंद की डाल के बैठ जाते हैं। तो एक तो काम होता है ब्लीच करता है थोड़ा सा, दूसरा इसका काम है एंटीसेप्टिक भी है। अच्छा, तो हाइड्रोजन परोक्साइड जो है, इस चीज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें बेसिक चीज समझो, परोक्साइड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, -1। यहां H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, -2। और यहां ऑक्सीजन में कितनी है, 0। तो -1 से -2 हो गया, अपने आप को रिड्यूस कर बैठा है, और -1 से 0 भी हो गया तो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर लिया है। एक ऑक्सीजन ही, सिंगल ऑक्सीजन ही अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स है। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहां पे कि जी डिस्प्रोपोर्शनेट जो हमारा रिएक्शन है, ये कौन दिखा सकता है और कौन नहीं दिखा सकता, या एक एलिमेंट जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन दिखाए उसमें खूबियां क्या होनी चाहिए, क्या हो उसमें जो डिस्प्रोपोर्शनेट दिखा दे, ऐसे क्या चीज है हो जो डिस्प्रोपोर्शनेट दिखा दे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, दो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। पहला, एलिमेंट अपनी एक्सट्रीम ऑक्सीजन स्टेट पे ना हो। दूसरा, एलिमेंट में मिनिमम 3 ऑक्सीजन स्टेट होती हो। अब दोनों को समझने के लिए एक बात समझो, मान लिया जाए ये 3 सीढ़ियां हैं और मैं सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में खड़ा हूं, मेरा चांस ऊपर जाने का नहीं, ऊपर सीढ़ी खत्म हो गई तो मेरा चांस सिर्फ एक क्या है, नीचे गिरने का ही है, रिड्यूस करने का ही है। और अगर ये 3 सीढ़ियां हैं और मैं सबसे नीचे खड़ा हूं तो अब नीचे गिरने का चांस है नहीं, ये ऊपर जाने का ही है। और अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो ऊपर भी जा सकता हूं नीचे भी जा सकता हूं। तो अगर मैं ऐसी कंडीशन पकड़ना चाहता हूं जिसमें मैं अपनी ऑक्सीजन बढ़ा भी सकूं और घटा भी सकूं, तो सबसे पहली बात तो 3 ऑक्सीजन शेड तो होनी चाहिए यार, और मैं पहली और आखिरी में ना हूं, ना तो पहली पे हूं सबसे ऊपर ना हूं, ऊपर हूं तो गिरूंगा ही, सबसे नीचे हूं तो उठ ही सकता हूं, बीच की पोजिशन में। तो मतलब मान लो कोई एक बालक है अपने स्कूल में बिल्कुल कति फेल होता है, हमेशा सबसे कम नंबर है, उसके चांस क्या है, अब एक ही चांस बचा है, बढ़ा ही सकता है नंबर कम से कम, तो सबसे फेलियर तो पहले ही था, और ये सबसे टॉप पे चल रहा है वो कम ही करेगा भाई, अब तो पिछाड़ने को बचा ही नहीं है, या तो टॉप पे बना रहेगा या टॉप से नीचे गिरेगा। कौन ऐसा बच्चा हो सकता है जिसके जीतने और हारने दोनों के चांस इक्वल बन जाते हैं,
बीच वाला जो एवरेज बच्चे। तो पहली बात तो कम से कम तीन ऑक्सीजन शेट हो, जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं करता है, तो तुमने बताना जी फ्लोरीन की दो ही ऑक्सीजन शेट है, F2 में क्या है जीरो, और किसी कंपाउंड में बैठ जाए तो फ्लोरीन क्या है माइनस वन। तो अगर जीरो होगा तो क्या करेगा, अपने आप को कम कर लेगा, माइनस वन में चले जाएगा, माइनस वन पे होगा तो क्या होगा बढ़ा लेगा। तो एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा, दोनों इकट्ठे नहीं कर सकता। जैसे फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता, डिस्प्रोपोर्शनेट करने के लिए एक ही एलिमेंट को एक ही रिएक्शन में क्या करना है, ऑक्सीडाइज भी करना है रिड्यूस भी करना है। क्या कंडीशन है जी, कम से कम तीन ऑक्सीजन शेट हो और अपनी एक्सट्रीम ऑक्सीजन शेट पे एलिमेंट ना हो, एक्सट्रीम मतलब सबसे ज्यादा है सबसे। अब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्या है एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ये देखो ये डिस्प्रोपोर्शनेट ऑक्सीजन ना ग्यारहवीं सिर्फ डेफिनेशन आती है, बारहवीं के अंदर इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट, इनऑर्गेनिक में बहुत जहां पर डिस्प्रोपोर्शनेट काम आ रहा होगा ऑर्गेनिक में आ जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेट काम। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं तुम्हें, एक बहुत ही सुंदर चीज है तुमने पढ़ी हुई है, तुमने ना पढ़ी हुई तो एग्जांपल भी ना देता मैं तुम्हें, क्लोरीन जमा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिन बच्चों के पास 1% भी अकल है उनको याद होगा दसवीं में पढ़ते थे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन, ऐसी ऐसी चीजें सीख के बच्चे को जज्बा आता है भाई सब साइंस लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बच्चा अपने आप में तो ओ बेटा मुझसे बेटर कोई है ही नहीं, मुझे ब्लीचिंग पाउडर बनाना आता है। अब मैं इधर बात सुनो, ये फॉर्मूला गलत है, एनसीईआरटी फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, और आज से नहीं लिखा हुआ, बीसीओ साल से लिखा हुआ गलत। तुम कहोगे हम तो नहीं मानते, मत मानो, एनसीईआरटी पेज नंबर 198 12th क्लास पार्ट वन देख लो पता लग जाएगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या, रिएक्शन ये होता ही नहीं है, ये सब 10th वाले बच्चों को सब करने के लिए बोल दिया कि ये होता है, बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक ब्रैकेट नहीं लगा रखा है, एक ब्रैकेट कर रहा हूं फॉर्मूला गलत हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो तुम कहोगे चलो ब्लीचिंग वाटर फॉर्मूला फिर ये है, नहीं सुनते रहो, ये होता है CaCl2.CaOCl2.CaCl2.2H2O, ये होता है ब्लीचिंग वाटर। तुम कहोगे चलो मान लिया ठीक है यही होता है, मगर मेरे कंसेप्ट में कहां फिट हो रही है बात, मैंने क्यों पढ़ी, तो सुनो हमने क्यों पढ़ी वो सुनो पहले, क्लोरीन जमा CaOH ट्वाइस देता है क्या CaCl2 प्लस CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है जी सुनते रहो, क्लोरीन जहां पर जीरो ऑक्सीजन शेड पे था यहां चला गया माइनस वन पे, तो ये क्या हो गया अपने आप को रिड्यूस कर गया, यहां क्लोरीन जीरो ऑक्सीजन शेड पे था यहां चला जाएगा प्लस वन पे, और ये क्या हो गया ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर गया। तो एक ही एलिमेंट अपने आप को क्या कर रहा है रिड्यूस भी कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, इसलिए ये क्या है डिस्प्रोपोर्शनेट। मुझे क्वेश्चन क्यों याद है वही बता देता हूं, अभी कुछ साल पहले ही जेई में क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन कौन सा प्रोसेस डिस्प्रोपोर्शनेट का एग्जांपल है, तो प्रोसेस कौन कौन से दे रखे थे, नाम भी तुमने कुछ नहीं सुने होंगे, एक तो लिखा होता ब्लीचिंग वाटर फॉर्मेशन यही था, एक था सोलवे प्रोसेस शायद नाम याद हो 10th में था, एक था हैबर्स प्रोसेस, एक था ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है 11th 12th में मिला के। अब पहली बात तो किस प्रोसेस की क्या रिएक्शन ये पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या वो बेसिक चीज फॉलो हो रही है ये पता होना चाहिए, तो आंसर था ब्लीचिंग वाटर डिस्प्रोपोर्शनेट। ये तो हो गया जेई का, अब सीबीएसई में क्वेश्चन कैसा आता है इसका, सीबीएसई में एक एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ध्यान से लो, HCl, HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3, ये 12th क्लास के पी ब्लॉक में भी है। एक और सुनो बात, HOClO, 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 HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनको ये भी लिख सकते हैं,
ऐसा भी जरूरी नहीं कि HOClO3 लिखाओ, HClO4 इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकता है। ध्यान से सुन लो, तुमसे बोला जाएगा क्लोरीन के जो डिफरेंट एसिड्स है इनमें से कौन सा एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता, तो सबकी ऑक्सीजन शीट निकालेंगे हम। ठीक है जी, मैं सबकी ऑक्सीजन शीट निकलवा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीजन शीट कितनी होगी? -1। यहां पे आ रही है +1, नहीं पता तो ध्यान से देखो। हाइड्रोजन की +1 होती है नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन की -2 होती है, टोटल चार्ज कितना है? 0। तो ऑब्वियस है यहां पे +1 होना चाहिए, तभी तो +1 +1 +2 -2, तभी तो 0 होगा। तो यहां पे कितनी आ गई? +1। ऐसे ही हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। क्लोरीन की ऑक्सीजन की कितनी? -2 × 2 कितनी आ गई? -4। तो ये कितना आएगा? +3। तो ये -1, ये +1, ये +3 आएगी, ये +5 आएगी, ये +7 आएगी। ठीक है जी, अब कल वाला ज्ञान प्लस आज वाला ज्ञान, सारे ज्ञान इकट्ठे करने हैं। तुमसे बोला गया बताओ जी इनमें से क्लोरीन के इन एसिड में से कौन कौन सा एसिड डिस्प्रोपोर्शन नहीं कर सकता, तो तुमने बोलना ये और ये नहीं कर सकता। क्यों? कल पढ़ाया गया था कि कोई भी एलिमेंट अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीजन शेड नहीं दिखा सकता। तो क्लोरीन 17वें ग्रुप का तो 7 से ज्यादा जाएगा नहीं, एक्सट्रीम पे जा चुका है। और मिनिमम ऑक्सीजन शेड निकालने का भी तरीका बताया गया था कि अगर क्लोरीन है तो -1 से 17वां ग्रुप -1 से नीचे नहीं आ सकता। तो ये अपने एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, -1 से नीचे नहीं आ सकता, रिड्यूस नहीं करेगा, +7 से ऊपर नहीं आ सकता, तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो एक्सट्रीम पे अगर कोई बंदा है तो क्या करेगा? वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा, यही डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है। ठीक, इसी चीज को 12th क्लास में क्वेश्चन आता है, यही चीज, मतलब यही चीज 12th क्लास में क्वेश्चन बनती है। तुम्हें याद होगा तुमने 10th में पढ़ा नाइट्रिक एसिड, और तुम 10th में पढ़ते थे मेटल मेटल में, नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक भाई साहब होते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, तुम्हें बोला जाएगा नाइट्रिक एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता, नाइट्रस क्यों कर पा रहा है? या ऐसे कौन से रीजन है कि नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है? दो क्वेश्चन है आंसर से, फिर सुन लो, ये डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों कर सकता, और ऐसा क्यों है कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीजन शेड निकालो नाइट्रोजन की दोनों केस में, जैसे ही समझाई थी, ये आएगी +5, ये आएगी +3, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। तुम्हें याद होगा नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का है और 15वां ग्रुप 5 से ज्यादा दा नहीं सकता। 15वां ग्रुप अगर 5 से ज्यादा ऑक्सीजन शेड नहीं दिखा सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अपनी एक्सट्रीम ऑक्सीजन शेड में बैठा हुआ नाइट्रिक एसिड। तो अगर किसी से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? अपनी ऑक्सीजन शेड को कम ही करेगा, अपने आप को रिड्यूस जो करता है वो दूसरे के लिए बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है सिर्फ, मगर नाइट्रिक एसिड किस पे? +3 पे, तो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है, डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर सकता है मगर ये नहीं करेगा। तो ये था शानदार सा सबसे बढ़िया रिडॉक्स जिसका नाम था डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स। क्या होता है? जिसके अंदर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर सकता हो, रिड्यूस भी करता हो साइमल्टेनियसली। क्या जरूरी क्या है उसमें, क्या करेक्टर होनी चाहिए? मिनिमम 3 ऑक्सीजन शीट होनी चाहिए उस एलिमेंट की, और वो अपने एक्सट्रीम पे ना हो, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीजन शीट पे ना हो, तो वो एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है। क्लियर है? इतना नोट करो।